जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी साथियों। आज हम पहुंचे सैंकी भाई के पास, जहां बल्ला की मंडहिया में हमारे भाई को अगवा किया गया था। अगवा करके चार लोग इसे लेके गए थे गाड़ी में डालकर, और इसके साथ भाई सैंकी के साथ दुष्कर्म किया गया है और बहुत ही बेरहमी से इसे मारा पीटा गया है। आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। पूरे शरीर पे भाई के बहुत ही बेरहमी से वार किए गए हैं लोहे की रॉड से, जिसे देखिए लोहे की रॉड से वार किए भाई के पीछे। और भाई अपनी खुद मुंह जवानी बताएंगे इनके साथ क्या क्या हुआ। भाई जी बताओ क्या क्या होता आपके साथ। पहले मुझे घर से भगा के ले गए, भगाने के बाद फिर मेरे को बुलाया गया, फिर मेरे को पैसों को लालच दिया गया, नु कह रहे काम करने चल है, फिर मेरे को गाड़ी में बैठाया है हाँ, और फिर मेरे को खेत पे ले जाने के बाद मेरे साथ गंदे कर्म करे गए हैं, लोहे के पाइप से मारा है, लोहे के सरिये से मारा है, पाइप मारा है, प्लास्टिक के बांस के डंडे मारे हैं, और ना एक का नाम तो आकाश है, एक का नाम गुटारी है, एक का नाम मोहित है, एक मोटा सा लड़का है हाँ, वो शादी शुदा है, दो बच्चों का बाप है हाँ, और मुझे है ना डेली मुझे ले जाते थे, मुझसे काम करवाते थे, और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया मेरे साथ, मेरे को तख्त पे उल्टा लेटा के मुझे मारा है, बांधा है, मुझे उल्टा लेटा के बांधा है, पेशाब भी पिलाया है मेरे को, मेरी लैट्रिन तक की गल, जो मेरी लैट्रिन भी नहीं आ रही, मैं बैठ रहा हूँ उठ रहा हूँ तो मैं मेरे बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। बेफिक्र रहे हाँ। दिक्कत ना माने, हर तरीके से उस दोषियों को सजा मिलेगी, ठीक है। तो माता जी भैया जी आपको कब पता चला है भाई के साथ ऐसा हुआ, सैंकी के भाई के साथ? हम शाम को ड्यूटी पे से आए, हमारे बच्चे और मैं, 6 बजे जब हमने देखा इसको, ये कोने में बैठा हुआ था, एकदम कांप रहा था ये मेरा बच्चा, क्या हमने पूछा कि क्या हो गया तेरे को, तो बोल रहा कि मैं गिर गया था, मैंने कि तेरी टी शर्ट कैसे फट रही है ये, तो फिर इसने डर के मारे बताया नहीं, उसने कह रहा था मम्मी तुम्हें ना वो मार देंगे वो लोग, मैंने कि कोई नहीं मारेगा, तू मुझे बता बेटा क्या बात हुई तेरे साथ। जब इसने बताया कि मुझे वो चार लोग मुझे गाड़ी में ले गए घर से, और मेरे साथ गलत काम करा उन्होंने, ये बोल के ले गए कि मेरे पूरे उरे उठाइयो खेत में चल मैं पैसे दूंगा तुझे, और फिर मैं कह रहा मेरा बच्चा मेरे झोपड़ी में ले गए वहाँ खेत में, और उसमें बांध के तकत पे, और इतना मेरे साथ गलत काम करा चारों ने, और फिर मेरे में बहुत ज्यादा मम्मी मार लगाई है, डंडे बजाए, बांस के सरिये के गैस के पाइप तलक के बजाए, और कपड़ा मुंह में फूल दिया मेरे बच्चे के, और मेरे बच्चे रोता रोता आया, फिर मेरे को बता रहा मेरा बद हाथ पैर काट गए मेरे बच्चे को देख के, और कह रहा मम्मी वो मुझे जान से मार देंगे, उन्होंने धमकी दी है और तुम्हें भी मार देंगे वो, इसलिए मैं नहीं बता रहा था तुमको, बस मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए बहनों भाइयों, बस मेरी यही प्रार्थना है आपसे, मेरा बच्चा बच गया, अब मेरे बच्चे को बचा दिया बस आप लोगों की दुआ ने, अब उसको चारों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ दुष्कर्म कराए, बस मेरी यही। उन्होंने सैंकी भाई को कहां छोड़ दिया था, वहीं खेत में छोड़ दिया था या कहीं? नहीं, ये मेरा बच्चा बेहोश हो गया था। सैंकी भाई आपको कहां छोड़ा था उन्होंने? जहाँ से बल्ला की मड़ैया में से लेके गए ना, वहीं मेरे को लात मार के मुझे बाहर गिरा के चले गए,
बल्ला की मड़ैया में गाड़ी में से। हाँ बाहर ये बेहोश हो गया था वहाँ पे, बेहोश हो गया मैं पूरा। और बच्चे इसे उठा के लाए थे पड़ोस के, जब उन्होंने घर पे छोड़ा है इसे, उन्होंने यही सोच लिया कि ये मर गया है, सांस नहीं आ रही थी ना इसकी, बेहोश हो गया था।